खोराबार पुलिस ने जगदीशपुर ओवरब्रिज फोर लेन के पास से गौकशी के अवैध कारोबार में लिप्त कुल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों में फिदा हुसैन पुत्र सफी मोहम्मद कासिम निवासी कस्बा मितोली थाना मितोली, छंदा पुत्र भूरे निवासी इस्लामनगर कस्बा मितोली थाना मितोली जनपद लखीमपुर खीरी, मोहम्मद सिद्दीक पुत्र चुन्ने निवासी कोखराज तथा मोहम्मद सद्दाम पुत्र हबीबुल्ला थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक ट्रक पर लदे 32 गोवंशी जानवरों जिसमें दो मृत जानवर शामिल हैं उसे बरामद किया। ये बंगाल से जानवरों को ले जाकर बिहार में बेचा करते थे। इनका मुख सरगना पुलिस को चकमा कर फरार हो गया। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया, ये गौकशी से संबंधित जो अवैध कारोबार है उससे संबंधित है। इसमें चार अभियुक्त कल गिरफ्तार हुए हैं। ये सब लखीमपुर खीरी चले थे और ये बिहार के सिवान में जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर पुलिस टीम इसमें लग गई और ये खोराबार क्षेत्र में जगदीशपुर जो क्षेत्र है जो फोर लेन है वहाँ काफ़ी चेस करने के बाद इनको पकड़ा गया। 32 गौवंश प्रजाति के पशु उसमें बरामद हुए, दो की इसमें मृत्यु हो गई और इनके कब्जे से ट्रक हुई और ये 32 पशु बरामद हुए हैं। नहीं नहीं मेन तो ये एक माजिद करके हैं, एक आजिद करके हैं, दो भाई हैं, वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। बाकी जो चार उस गाड़ी में उसमें थे वही सब गिरफ्तार हो पाए हैं। नहीं पहले फिलहाल ये कबूल नहीं रहे लेकिन ये इस पेशे में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं।